नमस्कार बच्चों, आइए अब हम आगे चलते हैं, आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है आपको बेटा, और जो भी आंसर आएगा लिखा एक्सप्रेस द रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब जो भी इनका आंसर आएगा उसको आपको रैशनल नंबर में लिखना होगा, या फिर उसको इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें हम उसको लिखेंगे। अगर जब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तभी वो रैशनल नंबर बनता है, अदरवाइज वो फ्रैक्शन रहता है। ये मैंने आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन के वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया गया है कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। आइए बच्चों हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं इसी को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है बच्चों। 11/7, और जहाँ पर बच्चों ये बाई का साइन बाई लिखा हुआ है उसकी जगह हमें लगाना होगा मल्टीप्लाई का साइन और -3/8। अब बच्चों मल्टीप्लाई में ना आप न्यूमेटर से डिनोमेटर को आप काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अगर होता है तो, लेकिन क्योंकि इसमें कोई हो नहीं रहा है तो आप सीधा क्या करेंगे, न्यूमेटर को न्यूमेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमेटर को डिनोमेटर से नहीं करना है। ये याद रखना, न्यूमेटर को न्यूमेटर से करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। ये मैं कर देता हूँ, 11/3 = 33 होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस होते हैं, -33, और 7/8 = 56, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। इसमें भी हम देखते हैं -7/4, और बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2/3। अब बच्चों जैसा कि मैंने बताया न्यूमेटर से डिनोमेटर कट सकता है, इस न्यूमेटर से फर्स्ट नंबर का डिनोमेटर भी आपको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से हो रहे हैं तो यहीं पे हम इनको काट देते हैं। बाद में हमें जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा, ठीक है बच्चों। 2/1 = 2 और 2/2 = 4, ठीक है बच्चों, हमने काट दिया है। तो -7 × 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -7, ठीक है बच्चों, डिवाइड का साइन, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 = 6। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये रैशनल नंबर आ गया बच्चों, ये इसका आंसर है, ठीक है। आइए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है। इसमें भी हम देखेंगे तो मैं पहले लिख लेता हूँ 3/12, और बाय की जगह हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा, और -48, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, ठीक है रैशनल नंबर में। अब बच्चों जैसे कि मैंने बताया, आप ना न्यूमेटर से डिनोमेटर डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमेटर से न्यूमेटर नहीं करेंगे, ठीक है, न्यूमेटर से न्यूमेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड न्यूमेटर से डिनोमेटर को किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 और यहाँ पर 48 है, आप चाहे तो इनको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, 12 की टेबल में दोनों आते हैं, आप चाहे तो 2 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, तो हम इसको 12 से करते हैं, 12/1 = 12 और 12/4 = 48, ठीक है भाई बच्चों। अब यहाँ पर -4 हो गया, ये -4 और -3, जब माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो 3/4 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 3/4 कितना आ गया, 12, ठीक है, माइनस का नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो चुके हैं, प्लस हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। और नीचे 1 बचा है, तो 1 नीचे डिनोमिनेटर के रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि ये मैं इधर दिखाता हूँ करके, ये देखिए -14/9 × -3/7, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया है न्यूमेटर से डिनोमेटर कर सकते हैं, ये इस टेबल में आ रहे हैं, ये भी दोनों आ रहे हैं, तो हम इनको कर सकते हैं, 3/1 = 3 और 3/3 = 9, 7 से इसको कर सकते हैं, 7/1 = 7, 7/2 = 14, ठीक है बच्चों। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, प्लस, और 2/1 = 2, तो आंसर कितना आ गया, ऊपर तो आ गया 2, डिवाइड, और 3/1 = 3, नीचे आंसर आ गया 3, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है, आइए देखते करते हैं इसको। ये देखिए 23/5 × -25/11, आइए बच्चों हम इसको भी ठीक उसी तरह करेंगे, ठीक है, जैसे अभी तक किए हैं। हम पहले देखेंगे कोई नंबर न्यूमेटर से डिनोमेटर डिवाइड तो नहीं हो रहा, हाँ यहाँ पे हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5/5, 5/5 =
25। ये देखो माइनस 5 था तो हमने माइनस 5 लगा दिया, इधर तो प्लस का है तो ये माइनस प्लस माइनस होने वाला है। तो अब 23 मल्टीप्लाई 5 यानी माइनस 5, आप इसको 23 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाएगा, और माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है बच्चों। और नीचे कितना आ गया, 11, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ठीक है बच्चों। आइए हम एक क्वेश्चन की तरफ और चलते जो मैंने इधर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखिए 7 बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और माइनस 15 बाय 63, ठीक है बच्चों। अब 7 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं तो आप 1 डिनोमिनेटर ले सकते हैं। आपको फिर वही देखना होगा कि ये कट रहे हैं क्या, हाँ ये इधर भी ये आप डिवाइड और न्यूमेटर से डिनोमिनेटर हो रहे हैं, ठीक है। 3 से हम इसको कर सकते हैं और इधर भी हम 7 से इसको कर सकते हैं। आइए 7 से करते हैं, पहले 7 से 7 बन जा 7 और 7 9 जा 63 होता है, ठीक है। अब बच्चों ये 3 से हम इसको कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है बच्चों ये आ गया। अब ऊपर क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो माइनस 5 ऊपर आंसर आ गया आपका, और डिनोमिनेटर क्या आ गया, 3 आ गया। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी सीधे ही, तो अगर हम पहले ही इसको डिवाइड कर दें तो फिर जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा। अगर आप पहले डिवाइड नहीं करते हैं तो उसको आप बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं। देखिए बच्चों 7 जैसे यही क्वेश्चन हम लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई माइनस 15 और नीचे है 63, ये देखिए इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। अब मान लीजिए आप यहां पर डिवाइड नहीं करते हैं, बाद में डिवाइड करते हैं, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 7 जा कितना होता है वो यहां पर लिख लेते हैं, माइनस 105, ठीक है बच्चों 105 हो गया और नीचे 63 हो गया। अब आप चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा माइनस 5 बाय 3। अब अगर हम इसको देखें, वैसे तो बच्चों आप इसको 7 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर सीधा 21 की टेबल से इसको करने वाला हूं, 21 की टेबल से, ठीक है बच्चों। 21 5 जा 105 और 21 3 जा 63, तो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन हम इधर आंसर के ऊपर लगा देंगे, माइनस 5 बाय 3, तो बच्चों ये आंसर आ गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये हमने 4-5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, आपको ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे, और इनको सीखकर आप और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों को सिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक हम आगे वाले आने वाले भाग में हम और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।